कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय प्रथम भोजन यह कहां से आता है। अभी तक हमने विद्यार्थियों को इस विषय के बारे में पढ़ाया। आज हम एक विद्यार्थी रितिक कुमार से इस विषय पर चर्चा करते हैं कि इस विषय की उनको कितना नॉलेज हुआ, कितना ज्ञान हुआ। तो जो कि छठी कक्षा में अभी पांचवी कक्षा पास करके छठी कक्षा में हुआ है, उससे हम चर्चा करते हैं इस विषय में। भोजन यह कहाँ से आता है, भोजन कहाँ से आता है हमें, भोजन हमें पेड़ पौधों से तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं से कैसे भोजन हम प्राप्त करते हैं? हम जंतुओं का दूध, मीट, मांस, शहद आदि खाकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जंतुओं का हम अंडे भी खाते हैं। पौधों से हम भोजन किन किन रूप में प्राप्त करते हैं? पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं? हम पौधों की जड़, तना, पत्तियां और बीज, बीज और उनकी स्टेम ये खाकर तना कहते हैं, उसे हिंदी में तना कहते हैं। जड़ किन किन पौधों की खाई जाती है? हम जड़ चकुंदर की खाते हैं, शलगम की खाते हैं, मूली की खाते हैं, गाजर की खाते हैं। और तना किस किस पौधे का हम तना खाते हैं? हम प्याज का खाते हैं तथा प्याज तथा आलू का खाते हैं। अदरक का भी खाते हैं तना। पत्ते हम किन किन पौधों के पत्ते हम खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं? हम पालक, धनिया तथा पथरोए को पत्ते के रूप में खाते हैं। फूल किस पौधे का खाया जाता है? फूल गोभी का फूल खाया जाता है। फल किन किन पौधों के हम खाते हैं? हम आदि के खाते हैं, जैसे आम और अमरूद, नाशपत्ती, पपीता पपीता आदि। बीज हम किन किन पौधों के खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं? हम मक्का, गेहूं, बाजरा, हम सभी अनाज के बीज खाते हैं। संघटक किसे कहते हैं? संघटक क्या होता है? भोजन बनाने के लिए जिस कच्ची सामग्री का उपयोग होता है वह संघटक कहलाता है। आप किसी एक चीज का उदाहरण बताइए इस विषय में हमें। खीर, खीर में हमें चावल, दूध तथा वो चीनी चाहिए। चीनी कच्चे पदार्थ हैं, ये संघटक हैं उनके। खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? जो भोजन हम खाते हैं उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे? जैसे रोटी, चावल, दाल आदि। अभी हमने पौधे के कुछ भाग खाए थे, वो भी क्या है? वो भी भोजन ही है। हाँ, भोजन ही खाद्य पदार्थ है, ठीक है, जो हम खाते हैं। अंकुरित बीज किसे कहते हैं? पानी, हवा तथा ताप से जो बीज परारंकुर तथा मूलांकुर हो उसे अंकुरित बीज कहते हैं। हाँ, जिस बीज में से मूलांकुर और परारंकुर निकल जाए उस बीज को अंकुरित बीज कहते हैं। सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, उसके बाद परागकुर निकलता है। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं जिनको हम खाते हैं? क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ जीव पादप तथा पादप उत्पाद खाते हैं, वे जीव शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण बताओ। जैसे भेड़, बकरी और भैंस, गाय आदि। आगे। और कुछ जीव दूसरे जंतुओं को खाते हैं, वे जीव मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे बाघ, चीता, शेर आदि। और लियोपार्ड। और शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, और भी प्रकार के जीव होते हैं क्या? हाँ, वे जीव जो पादप तथा जीव जंतुओं को खाते हैं वे जीव सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। आप उदाहरण बता सकते हैं इसके? हाँ बताइए। मनुष्य, कौवा,
बिल्ली, कुत्ता। अच्छा मकरंद क्या होता है? मधुमक्खियों द्वारा लिए गए फूलों का रस मकरंद कहलाता है। तोता क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? शाकाहारी जीव है। अच्छा शेर क्या है? शेर एक मांसाहारी जीव है। चीनी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? चीनी हमें गन्ने से प्राप्त होती है। हिरण पादप उत्पाद करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? हम उसे शाकाहारी जीव बोलेंगे। कुत्ता पादप उत्पाद भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम सर्वाहारी जीव कहेंगे।